कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं NSTAT 23 रिजल्ट के बारे में। जी हाँ गाइस, आज 20 मार्च को NSTAT का रिजल्ट आ चुका है। NCHM ने NSTAT का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है और मैं आपको बता दूं कि राणा एजुकेशन के 3 बच्चों ने NSTAT इस बार क्वालिफाई किया है। उनमें से एक स्टूडेंट ने असिस्टेंट लेक्चरर एंड टीचिंग एसोसिएट दोनों के लिए क्वालिफाई किया है और 2 हमारे बच्चों ने टीचिंग एसोसिएट के लिए गाइस इस बार क्वालिफाई किया है। राणा एजुकेशन का ये फर्स्ट बैच था गाइस, जिसमें हमने लाइव क्लासेस कंडक्ट की थी और इसमें 15+ हमारे पास एडमिशंस थी, 15-16 एडमिशंस थी और उसमें से 3 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी बच्चों को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, और जिन बच्चों का नहीं क्वालिफाई हुआ है उनके लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा गाइस, वी आर स्टार्टिंग सेकंड बैच फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। ओके, अप्रैल से हम सेकंड बैच शुरू करने वाले हैं क्योंकि एज पर सोर्सेज अक्टूबर में फिर से NSTAT होना है। सो टिल अक्टूबर वी हैव 6 मंथ्स, है ना। अभी जो हमारा फर्स्ट बैच था उसमें सिर्फ 2 मंथ्स की लाइव क्लासेस हुई थी, लेकिन अभी हमारा बैच चलेगा उसमें 6 मंथ्स लगातार लाइव क्लासेस चलेंगी गाइस, है ना। तो डोंट बी डिसहार्टेंड, जिनका नहीं हुआ है उन्होंने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। ओके, और जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे बैच में हैं उनकी, और जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है उनकी वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस। ऑलराइट, एंड कुछ स्टैट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइज। 700+ अभी मैं देख रहा था लिस्ट ऑफ नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स, 700+ स्टूडेंट्स ने इस बार NSTAT एग्जाम के लिए अप्लाई किया था, जिन्होंने एग्जाम दिया, जो एग्जाम में अपीयर हुए, और 36-37 टोटल स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। तो अगर मैं परसेंटेज रेशियो में अगर बात करूं तो गाइज 5%, है ना, अराउंड 5% स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है आउट ऑफ 700+ स्टूडेंट्स, है ना। 730 या 35 स्टूडेंट्स थे और उनमें से 36-37 स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। तो अगर हम परसेंटेज में बात करें तो 5% के आसपास गाइस स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ओके, तो आप देख सकते हैं बहुत से लोगों को लगता है कि एग्जाम बहुत ईजी है, एग्जाम उतना ईजी नहीं होता है गाइस, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर इसमें यह रहता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.5 की है, नंबर वन। नंबर टू, इसमें क्वालिफाइंग जो आपके मार्क्स रखे हैं वो बहुत, मतलब उनको मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है। मैं देख रहा था बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 200+ मार्क्स हैं, है ना, लेकिन पेपर 2 में वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। ओके, तो आपको तीनों पेपर क्वालिफाई करने होते हैं, फिर एग्रीगेट आपको 200 से ज्यादा होना चाहिए, बहुत सी बातें ध्यान रखनी होती है, है ना। तो अभी तो आज छोटा सा वीडियो है, बट अप्रैल से हम सेकंड बैच शुरू करने वाले हैं, नंबर वन। नंबर टू, जो हमारे क्वालिफायर्स हैं जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया है उनके साथ एक डिटेल्ड वीडियो आने वाला है कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी और कैसे राणा एजुकेशन ने उनको हेल्प किया, बहुत सारी बातें, है ना। तो मेरा उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने, जिनका इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनके लिए एक मैसेज है, डोंट बी डिसहार्टेंड, है ना। बिलीव इन योर सेल्फ, है ना, बिलीव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अपने आप पे ट्रस्ट रखो और हम फिर से कोशिश करेंगे और अक्टूबर में होने वाले NSTAT को डेफिनेटली हम क्वालिफाई करेंगे। सो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।